ये जो चैप्टर है ये अकाउंट्स नहीं है, ये कॉस्टिंग है, क्योंकि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जा रहा है। कॉस्ट शीट याद है आप लोग सबको, मतलब नाम याद है, डिटेल याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, वो हम बताएगा। हाँ सर, बट आप लोग सेमिस्टर टू में और में पढ़े हो कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट अकाउंटेंट लोग बनाता है या अकाउंटेंट लोग नहीं बनाते है। तो ये जो पार्ट है ना तुम्हारे सिलेबस का, ये अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये कॉस्टिंग का पार्ट है। जो भी है अपने को पढ़ना पूरा ही है। एक बात गौर करने लायक है, जो चीज हम तुम लोगों को दिखाना चाहता है वो ये, तुम्हारे एग्जाम में ये कितना मार्क्स कवर करेगा वो ठीक से देखो जरा। मतलब एक चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ के जाओ तो 30% मार्क्स कवर कर रहे, मतलब इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक बात। तो अपने आज ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास में भी कर रहे हैं, वेडनेसडे ऑनलाइन क्लास में भी करेंगे, और सैटरडे ऑफलाइन क्लास में भी इसको अगर डाउट होगा तो क्लियर करेंगे, क्योंकि ये 30 मार्क्स कवर कर रहा है सीधा सीधी। तो उस 30 में अगर आप स्कोर कर जाओ आपका काम हो जाएगा, ठीक बात ना। फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्या बात कर रहा है, ये बात करता है फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे कॉस्ट कैलकुलेट होता है एक आइटम का। एक बात सोचो, तुम एक बिस्किट का पैकेट लेने जाते हो, वहां बोलता है ना 10 रुपए का पैकेट है, ये कैसे डिसाइड हुआ इसको 10 रुपए में बेचने, सर इसमें पक्का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के 10 रुपए बोला गया होगा, प्लस टैक्स भी जोड़ा होगा, ठीक है भाई टैक्स को इग्नोर करो। तो ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ कि बिस्किट का पैकेट 8 रुपया पड़ा तो 2 रुपया प्रॉफिट लेंगे तो 10 रुपए में बेचेंगे, ये 8 रुपया कैलकुलेशन इस पूरे पार्ट का मेन स्टोरी है, ठीक है। कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा एक प्रोडक्ट का, पहले कुछ स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल भी है, इस चैप्टर में पूरा प्रैक्टिकल नहीं आएगा सर, 30 नंबर का पेपर है तो तुमको ऐसा नहीं होगा 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज प्रैक्टिकल दे देगा पूरा, कुछ थ्योरी भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे कई एक इंपॉर्टेंट थ्योरी टर्म्स हैं जिनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, तो हम लोग उन टर्म्स का भी बात करेंगे। तो देखो, डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल इन इंडिया, इंडिया में कौन कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा प्रोफेशनल कोर्स करवाता है, ICMA या CIMA जिसको बोलते हो, ठीक है ना। तुम लोग जो इंस्टीट्यूट का एग्जाम दे रहे हो उसका नाम क्या है, ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंडिया, ICMAI। ये लोग इंडिया में कॉस्टिंग का रूल बनाने का काम, कॉस्टिंग के लिए गाइडलाइन बनाने का काम, कॉस्ट ऑडिट करने का काम, तुम लोग तो थोड़ा बहुत ऑडिट समझते हो, ऑडिट जनरली कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। लेकिन फैक्ट्री में जब कॉस्ट ऑडिट होता है ना उसको कौन करता है, एक CA में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सर उसका भी सर्टिफिकेट लगता है, बिल्कुल लगता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑडिट करके दे गए, बट फैक्ट्री का पूरा जो कॉस्टिंग का कैलकुलेशन का ऑडिट है वो एक CMA करके देगा, और उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा जब वो कंपनी का ओवरऑल रिपोर्ट बनाएगा। तो इसके लिए कॉस्ट ऑडिट होता है, और कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड्स होता है थोड़ा, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुनते हो ना एक वर्ड, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है AS, वैसे ही कॉस्टिंग का भी स्टैंडर्ड होता है। मतलब सर क्या होता है कॉस्ट स्टैंडर्ड, अरे कुछ नहीं, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में गाइडलाइन होता है कि कैसे उसको चेक किया जाए या कैसे उसको प्रिपेयर किया जाए, वो गाइडलाइन लिखा हुआ है कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स में। तो ये करता कौन है और कहाँ लिखा है ये मेनली आप समझे। अच्छा, किन का कॉस्ट ऑडिट कंपल्सरी है, सब फैक्ट्री का कॉस्ट ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, इसका कंपनीज एक्ट में रूल लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 148 में इसका रूल लिखा हुआ है, जिसके हिसाब से आपको जिस कंपनी वो रूल में फॉलो करेगा, जो कंपनी रूल में फॉलो करेगा उसको कॉस्ट ऑडिट करवाना होगा। बात क्लियर,
कॉस्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? ये कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तुम लोगों को अगर हम पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, ये वर्ड सुनते ही इसका मीनिंग क्या होता है? कोई खर्चा, कोई एक्सपेंडिचर है ना। एकदम पार्टी मीनिंग पूछा, बेसिक मीनिंग। कोई तुमसे पूछता कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हमको समझाओ जरा, बोलो कि कोई खर्चा करना, कोई एक्सपेंडिचर करना, ठीक बात है। एक्सपेंडिचर दो टाइप का हो सकता है, एक्चुअल या नॉशनल। तो देखो, पहले कॉस्ट इज डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर, पहले तो मीनिंग बताया। जो हम कोई गुड्स या सर्विस को बनाने के लिए करते हैं, ये दो टाइप का हो सकता है, एक्चुअल और नॉशनल। एक्चुअल मतलब जो सही में खर्चा हुआ है, नॉशनल मतलब एज्यूम्ड। नॉशनल का मतलब क्या होता है? एज्यूम्ड, मान लेते हैं वाला खर्चा। सर ऐसा कौन सा खर्चा होता है? कॉस्टिंग में उसको नहीं लेते, बट इकोनॉमिक्स में उसको लेते। आई रिपीट, कॉस्टिंग में उसको नहीं लेते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स में उसको लेते हैं। क्या होता है ये नॉशनल कॉस्ट? या यू बोलो कॉस्ट में भी लेते हैं सर, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो बेवकूफ थोड़ी ना। होता क्या है समझाइए, तब समझ में आ जाएगा। देखो, नॉशनल कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो हम अपने रिसोर्सेस को यूज करने के लिए मान ले रहे हैं। हम अपना लैंड दे दिया बिजनेस को, ऑफिस या फैक्ट्री बनाने के लिए, तो वही लैंड अगर हम बाहर लगाता तो भाड़ा कमाता ना, या वही लैंड अगर हम बाहर से लेता तो भाड़ा देना पड़ता, बट यहाँ वो लगा नहीं, लेकिन हम उसको कॉस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अपने बिजनेस में हम टाइम दे रहे हैं, अपने बिजनेस में हम टाइम दे रहे हैं, टाइम। अगर अपने बिजनेस में टाइम नहीं देते तो कहीं और काम कर रहे होते, तो वहां पे कुछ कमा रहे होते, वो रुपया हम खो रहे हैं वहां पे। या अपने बिजनेस में हम टाइम नहीं देते तो किसी और को रखना पड़ता वो काम करने के लिए, तो उसको सैलरी देना पड़ता, वही वह नॉशनल कॉस्ट। हम अपना रुपया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता तो कहीं और लगाता, वहां से प्रॉफिट या इंटरेस्ट कमाता, वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट हम खो रहे। या कहीं और से वही पैसा लोन लेना पड़ता तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता, या कोई और को पार्टनर बनाना पड़ता उतने रुपए के लिए तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता। ये सब क्या हुआ? वो खर्चा जो लगा नहीं लेकिन लगता तो, क्योंकि हम अपना रिसोर्सेज यूज कर लिए तो वो खर्चा लगा नहीं। तो वही रिसोर्सेज हम कहीं बाहर लगाते तो कमाते ना, तो वो प्रोडक्ट बेच के हमको वो पैसा भी वसूल करना है। कोई बिजनेसमैन पागल थोड़ी ना होगा, वो सब वो खर्चा, वो जो अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा है उस मेहनत का पैसा नहीं वसूल करेगा वो प्रॉफिट में, मतलब वो प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ाएगा उसमें। मान लो रॉ मटेरियल लगा मेरा, मान लो मैं पेन बनाया, पेन उस पेन में इंक लगा, प्लास्टिक लगा, निब लगा, वो सब का रॉ मटेरियल पर पेन कॉस्ट पड़ गया मान लो 4 रुपया। हमको लेबर को भी 2 रुपया देना पड़ा एक पेन बनाने के लिए, और मेरे को बाहर से थोड़ा लोन या कैपिटल भी लेना पड़ा बाहर से, एक्चुअली में बैंक से लोन लेना पड़ा, तो मान लो उसके लिए भी 1 रुपया इंटरेस्ट लग रहा पर पेन। तो मेरे हिसाब से 4, 2, 6, 7 रुपया कॉस्ट आ रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं हम अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका पैसा कहाँ गया? मेरा ओन पैसा भी बिजनेस में लगा हुआ, उसका इंटरेस्ट कहाँ गया? वो लग नहीं रहा है लेकिन वो हमको पेन से वसूल करना है, तो नॉशनल कॉस्ट। मान लो वो भी 2 रुपया हम जोड़ा, अब मेरे पेन का कॉस्ट कितना आ रहा है एक्चुअली में? 9 रुपया। तो ऑब्वियस सा बात है ना बेटा, दुकानदार ये 2 रुपया भी वसूल करता ही होगा कस्टमर से, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। तो यही हुआ नॉशनल कॉस्ट, ठीक बात। तो ये हुआ तुम्हारा मीनिंग ऑफ कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आता है मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है सर? कॉस्ट और कॉस्टिंग तो एक जैसा वर्ड होना चाहिए है ना, लेकिन दोनों में एक बेसिक फर्क है। कॉस्टिंग वो प्रोसेस है, वो मेथड्स है जिनसे तुम ये कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। कॉस्टिंग क्या है? वो प्रोसेस या मेथड जिनसे तुम ये
कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। आनंद थोड़ा सा डिफिकल्ट लेगा ये चीज समझने में, लेकिन आप लोग मान पाओगे। आप लोग कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़े हो, वहां पढ़ते थे ना मार्जिनल कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये सारे मेथड या टेक्निक्स हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में है, जो लोग बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं। जो लोग खिलौना बनाते हैं एक बार में 100-100 पीस, 1000-1000 पीस, मतलब एक पर्टिकुलर आइटम बना रहे हैं और एक ही बैच में पूरा सामान निकल रहा है। एक बार रॉ मटेरियल डाल दिया मशीन में, एक बार में 1000 खिलौना बन के निकला, या एक बार में 1000 टी-शर्ट बन के निकला, वो लोग फॉलो करते हैं कौन सा, बैच कॉस्टिंग। जो लोग बस ट्रक ट्रांसपोर्ट सर्विस ये सब चलाते हैं, वो लोग कौन सा कॉस्टिंग यूज करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो इस तरीके से अलग अलग लोग, जॉब कॉस्टिंग हो गया जो हमें पूरा काम करके देने के लिए कॉस्ट बुक कर रहे हैं। मान लो हम तुमको बोला हम तुम्हारा CMA फाउंडेशन का सिलेबस खत्म कर देंगे और 10,000 रुपया लेंगे, ये हो गया जॉब कॉस्टिंग, एक पूरा काम खत्म करके देने का एक चार्ज। तो अलग अलग इंडस्ट्री वाले अपना अपना कॉस्टिंग का टेक्निक यूज करते हैं। ठीक बात, बात क्लियर है? हाँ सर। उसी को बोलते हैं कॉस्टिंग, यानी वो कॉस्टिंग का मेथड या प्रोसेस। तब तक दो वर्ड सीख लो MCQ के लिए। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सर्वो एक्सपेंडिचर, जो हम एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए करते हैं, वो रुपया जो जाता है। सर खाली जाता मत बोलिए, नॉशनल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है उसमें, एक्चुअल और नॉशनल दोनों, एज्यूम्ड और एक्चुअल दोनों। उसके बाद हम लोग एक वर्ड पढ़े कॉस्टिंग, कॉस्टिंग वर्ड का मतलब सर वो प्रोसेस या वो मेथड्स, वो टेक्निक्स जिससे हम अलग अलग इंडस्ट्री में कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है सर? बोलो बोलो, आप लोग क्या संस्कृत में बोलोगे? सर वो प्रोसेस जिससे ये सारा इंफॉर्मेशन जो एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, बजट बनाना, ये सारा कॉस्ट को कैलकुलेट करके एक जगह लिखना। सर जैसे अकाउंट्स, अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? वो ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर, PL, यही तो हो गया अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया सर? कॉस्ट में जैसे आप डेटा रिकॉर्ड करते होंगे, जब हम अकाउंटिंग बोलते हैं, आप बोलते हो ना अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। जब हम चार वर्ड बोला, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, चार काम करने को, डेटा के साथ जब हम चार काम करते हैं उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। डेटा को एक जगह रिकॉर्ड करना, डेटा को अलग अलग हेड में बांटना, अकाउंट में बांटते हो ना, रियल पर्सनल नॉमिनल एसेट है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अकाउंट में हम लोग बंटवारा करते हैं आइटम्स का। रेंट बोलते हैं क्या बोलते हो सर? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस बोलते हैं क्या बोलते हो सर? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मशीन बोलते हो वो एसेट है। कैपिटल बोलते हो वो लायबिलिटी है। तो ऐसे तुम क्लासिफाई कर रहे हो, अलग अलग हेड में आइटम को बंटवारा कर रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। ठीक बात, तो उसको हो गया क्लासिफाई। समराइजिंग क्या होता है सर? जनरल लेजर बनने के बाद जो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनता है, तो समरी बनाना हो गया ना डेटा का। जनरल से लेजर बनाते हैं वो एक समरी है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट। समराइजिंग मतलब एक जगह चार्ट में डेटा को या एक स्टेटमेंट में डेटा को लेके आना। और एनालाइजिंग क्या होता है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन सर, अब वो डेटा से आगे के लिए रिजल्ट समझना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आगे काम कैसे होगा, अगले साल कितना खर्चा क्या लगेगा, कौन सा एक्सपेंडिचर अगले साल बढ़ेगा कम होगा, कौन सा खर्चा इस बार ज्यादा लग गया बेमतलब का, ये सब समझना, ये सब एनालाइज करना, प्रॉफिट लॉस निकालना, अपना बैलेंस शीट का पोजीशन समझना, एनालाइजिंग। तो यही काम अकाउंट्स में भी करते थे, यही काम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी करेंगे, बट यहाँ कॉस्टिंग का डेटा के साथ होगा। बात क्लियर है? हाँ सर। तो देखो यही तो बोला,
यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं एक जगह, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उससे हम लोग कोई रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर जाके सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं। अरे जब तक हम ये इंफॉर्मेशन ही जुगाड़ेंगे मेरा टोटल कितना खर्चा लगा, तो हम ये नहीं निकाल पाएंगे एक पीस का कितना लगा। जब एक पीस का जान लेंगे तभी तो डिसाइड कर पाएंगे अब उसमें कितना प्रॉफिट ऐड करके उसको कितने में बेचना है। तो सर ये तीन काम करना हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। वही वापस वही समझाया, देखो कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब यहाँ पे देखो वो वर्ड्स आएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, टेक्निक्स अलग अलग टेक्निक से चीज़ों को रिकॉर्ड करना, समरी बनाना, जो हम ऊपर चार वर्ड यूज किया था। बात क्लियर है, इसमें और कुछ पढ़ने लायक नहीं होती। कॉस्टिंग वालों को और भी क्या काम होता है सर, लोग क्यों एनालाइज करते हैं डेटा को, प्रॉफिट तो कैलकुलेट करने के लिए करते ही हैं, उसके अलावा सर कहाँ खर्चा ज़्यादा लग गया, अगली बार कैसे उसको कम करें, क्या डेटा को कैसे कैलकुलेट करें तो बेटर होगा हमारे लिए, ये सब काम कॉस्ट अकाउंटेंट लोग करते हैं। तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका क्या क्या स्कोप होता है, जो लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी का पढ़ाई करते हैं उनका क्या क्या काम होता है सर, सबसे पहले तो कॉस्ट को असर्टेन करना, मतलब कॉस्ट का पता लगाना, मेजरमेंट करना, एक तो आपका ये काम होता है। आपका दूसरा काम क्या होता है, उसको एक जगह रिकॉर्ड करना, बुक कीपिंग करना, मतलब उसको अलग अलग हेड में रिकॉर्ड करना। फिर आपका काम होता है कॉस्ट कंट्रोल करना, मतलब कहीं बेकार खर्चा लग रहा है, कहाँ ज़्यादा लग गया, कहाँ कम लगा, कहाँ कितना बचा सकते थे, ये प्लानिंग करना, ये भी आपका काम है। और फाइनली क्या काम होता है आप लोग का, रिपोर्ट बना के जमा करना, परफॉर्मेंस वगैरह कैसा रहा ओवरऑल, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले पाए आपके रिपोर्ट को देख। तो ये आपका काम होता है, ये आपका एरिया स्कोप है, स्कोप अरे ये आपका दायरा है, दायरा आपको ये चीज़ें करनी मिलती है। दायरा से मतलब स्कोप मतलब आपका एरिया ऑफ वर्क, ठीक है। अगला आंसर ज्ञान बाजिए, आप जब ये सब काम करते हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पर यूनिट क्या कॉस्ट लग रहा है वो समझ में आए, आपका ये मेन टारगेट होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, आपका टारगेट या गोल। तो जब आप ये ऊपर वाले चार काम कर रहे हो, क्या चार काम सर, स्कोप क्या है तुम्हारा, कॉस्ट पता लगाना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको कंट्रोल करना मतलब फालतू होने से रोकना, और उसको रिपोर्ट बना के देना। तो ये चार काम करते हो, तुम्हारा मेन टारगेट, मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हर कॉस्ट अकाउंटेंट का यही होता है, कॉस्ट पर यूनिट पता करना, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा प्रोसेस या टेक्निक बेटर होगा। अभी पढ़े ना ऊपर बहुत सारा टेक्निक्स का नाम बोला था हम, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा बेटर होगा, वेस्टेज कहाँ पे हो रहा है फालतू उसको रोकें, प्राइस फिक्स करें यानी सेलिंग प्राइस डिसाइड करें, मैनेजमेंट को एडवाइस दें कि क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस है और क्या नहीं। मान लो हम 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, हम स्टेशनरी का पूरा मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो हम पेंसिल, पेन, रबर, शॉर्पनर, स्केल, कंपास ये सब बनाते हैं। तो तुम लोग अगर मेरे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम लोग हर एक प्रोडक्ट वाइज मेरा खर्चा एनालाइज करोगे, हर एक प्रोडक्ट वाइज मेरा सेलिंग प्राइस देखोगे क्या हो रहा है, और फिर हमको बताओगे सर ये वाला जो बिजनेस है आपका बेकार जा रहा है, इसको बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आप बोल सकते हो सर आज की डेट में स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेकार है, स्केल मत बनाओ, रूलर, रूलर वो लाइन खींचने वाला स्केल सर आप वो मत बनाइए, क्योंकि वो एक आपका बाकी बिजनेस आपका प्रॉफिट में चला, तुम लोग कैलकुलेट करके निकाले कि बाकी बिजनेस आपका प्रॉफिट में चल रहा है, बट ये स्केल बनाने वाला बिजनेस आपका बेकार है, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें लॉस आ रहा है। ओवरऑल आपका मान लो यहाँ से 2 लाख प्रॉफिट, यहाँ से 1 लाख प्रॉफिट, यहाँ से 1 लाख प्रॉफिट, तो आपका 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्केल वाला बिजनेस में आपको 50,000 का लॉस भी लग रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका 3.5 लाख हो जा रहा है आपके। अगर आप स्केल वाला बिजनेस बंद कर दो तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा, ऐसे ही एडवाइस करोगे ना एक क्लाइंट को। मेरा प्रॉफिट को हम कैसे और मैक्सिमम कर सकते हैं, तुम्हारा काम यही है मेरे को समझाना, कैसे हम अपने कंट्रोल रखें स्टॉक पे और पे कहीं चोरी नहीं हो रहा हो, कितना मिनिमम स्टॉक गोडाउन में रखना ही चाहिए हमको, कितना मैक्सिमम स्टॉक हमको गोडाउन में रखना चाहिए, ये सब तुम हमको समझाते हो, तुम मेरे को डिसीजन मेकिंग में मदद करते हो, तुम मेरे को बजट बनाने में हेल्प करोगे, तुम्हारा मेन टारगेट ये भी होगा, तो
तुम मेरे को ऐसे डेटा दोगे कि हम अगले साल के लिए बजट बना पाए? तुम मेरे को प्लान्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कितना लेबर को बोनस देना है नहीं देना है, ये सब डिसीजन में भी मदद करती हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ पैसा बचाया जा सकता है वो बताते हो। तो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव यही सर। इनका फायदा क्या होगा? अगर ये कॉस्ट अकाउंटिंग कंपनी मैनेज कर रहा है, कंपनी स्टाफ रख के रखा है जो कॉस्ट होती है, उसका बेनिफिट क्या होगा सर? सबसे पहला बात तो आपका एफिशिएंटली काम होगा, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप अच्छा पॉलिसीज बना पाओगे, आपका प्रॉफिट्स बढ़ेगा अगर ये सब प्रॉपर रहेगा तो। फायदा फायदा कॉस्ट अकाउंटेंट रखने का फायदा क्या है? वो आपको पीरियोडिकली चीज़ों को कैलकुलेट करके दे पाएगा, आपको एक जगह डेटा कंपेयर करने में हेल्प मिलेगा हर साल, आपका प्रॉफिट लॉस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ये जानने मिलेगा आपको, आपका एफिशिएंसी मैनेजमेंट का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा काम करने का। अब टैक्स डिपार्टमेंट भी ये सब बोलता है, ये सब चाहिए उनको, तो टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपका कैलकुलेशन हेल्प हो। तो ये अभी जो दो आंसर पड़े ना बेटा, दोनों ज्ञानबाजी एमसीक्यू में आने का बहुत स्कोप कम ही है ना, एमसीक्यू में इनको पूछने का जगह बहुत कम होता है। लेकिन अब आता है काम का क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग यानी टेक्निक्स। आपको नाम देके, आपको कहानी देके पूछ सकता है कौन सा टेक्निक का बात हो रहा है। सबसे पहले बोला जॉब कॉस्टिंग, हम आपको बोला था जब एक पर्टिकुलर जॉब वर्क मिलता है मेरे को तब हम जॉब कॉस्टिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं। मान लो मेरे यहाँ पे पेन बनाने का फैक्ट्री है, हम नॉर्मली तो पेन बना के बेच ही रहे हैं साल का 1,00,000 पीस। अलग से एक आकाश मेरे पास आया और बोला हमको 15,000 पेन चाहिए थोड़े अलग डिजाइन का। मेरा एक नॉर्मल पेन मैन्युफैक्चरिंग है, हम 1,00,000 पीस बनाते हैं बेचते हैं। आकाश मेरे पास अलग से आया, बोला हमको 15,000 पेन अलग से चाहिए। तो ये जो जॉब मिला है मेरे को अलग से एक नया ऑर्डर, इसको पूरा करके देने का जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि आकाश से कितना चार्ज करें, इसी को बोलते हैं जॉब कॉस्ट। हम ये 15,000 पेन का ऑर्डर अलग से पूरा करके देने का आकाश से क्या प्राइस चार्ज करें या मेरा क्या कॉस्ट पड़ेगा, उस पर कितना प्रॉफिट लें, ये डिसाइड करना ही होता है। इस मेथड को बोलते हैं जॉब कॉस्ट। एक अलग से एक जॉब मिला है, मेरा नॉर्मल काम तो है 1,00,000 पेन बेचना, बनाना और बेचना, ये अलग से हमको एक जॉब वर्क मिला, इसका कॉस्ट निकालने को बोलते हैं जॉब कॉस्ट। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बिंदास बोलो, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछेगा, आपको एक स्टोरी लेके बोल देगा बताओ इनमें से कौन सा कॉस्टिंग अप्लाई होगा। बैच कॉस्टिंग क्या होता है? आप लोग को एक बात पता है, बड़ी बड़ी जो ये खिलौना बनाने की कंपनी होती है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनमें क्या होता है ना, मशीन में ना एक डाइस फिक्स करना पड़ता है। मान लो मेरे यहाँ पे घोड़ा भी बनता है, खिलौना में घोड़ा का खिलौना भी बनाते हैं हम, कार भी बनाते हैं सेम प्लास्टिक से। प्लास्टिक को तो गाड़ी शेप देना पड़ेगा ना, वो घोड़ा बन जाएगा। प्लास्टिक को शेप देंगे तो गाड़ी बन जाएगा, प्लास्टिक को शेप देंगे तो गुड़िया बन जाएगा, प्लास्टिक को शेप देंगे तो वो हाथी बन जाएगा, है ना। प्लास्टिक का खिलौना देखियो ना बाजार में, ऐसा छोटा छोटा घोड़ा हाथी, तो उसमें क्या होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है ना, वो मशीन में ना, अरे ये घोड़ा प्लास्टिक घोड़ा का शेप कैसे लेगा, प्लास्टिक तुम्हें पास वही तो डाई, हाँ डाई फिक्स करना पड़ता है, डाई बोलते हैं उसको, डाई या मोल्ड। तो हम क्या करेंगे, वो मोल्ड लगा देंगे मशीन में। अब हम उसमें क्या करेंगे, वो रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक है मेरे पास, प्लास्टिक का दाना हो सकता है, प्लास्टिक का छोटा छोटा टुकड़ा हो सकता है, पिघला हुआ प्लास्टिक हो सकता है, वो सब हम उस मशीन में भर देंगे। अब झटाझट फटाफट मशीन से घोड़ा बन के निकलना चालू हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना करता होगा कोई बेवकूफ की पहले 5 घोड़ा बनाया, फिर डाइस निकाला, फिर 5 हाथी बनाया, फिर डाइस निकाल के कार का डाइस लगाया तो 5 कार बनाया, फिर कार का डाइस निकाल के डाइस लगाया तो 5 गुड़िया बनाया, कोई ऐसे करता है क्या? सर वो बेवकूफ होगा जो ऐसे करेगा, क्योंकि मशीन को ये पूरा सेटअप करने के लिए बार बार कॉस्ट लगता है, खर्चा लगता है मशीन को सेटअप करने में। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक डाइस डाल दिए, अब उससे 5,000 घोड़ा बन के निकल गए, 5,000 हाथी बन के निकल गए एक बार में, तो मशीन को सेटअप ही वैसा कर देते हैं, उसमें फिट कर देते हैं कि 5,000 पीस। अब वो जब तक 5,000 पीस नहीं निकलेगा मशीन रुकेगा, घट 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 चलता जाएगा, 5,000 पीस बन जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा,
फिर आप निकालो नया डाइस लगाओ, ये कंपनी पे इफेक्टिव होगा कॉस्ट इफेक्टिव, हाँ कि ना? तो ये होता है एक बैच में कितना खिलौना निकला, एक बैच में कितना हाथी, एक बैच में कितना घोड़ा, ये होता है बैच कॉस्ट। ठीक बात? तो जो लोग फैक्ट्री में इस तरीके का प्रोडक्शन होता है वो बैच कॉस्टिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं। एक बैच में कितना घोड़ा निकाले कि कंपनी को इफेक्टिव पड़े, एक बैच में कितना हाथी निकाले तो फर्क सही रहे। वैसे तुम ये मशीन का छोड़ो, एक और एग्जांपल ले लो, हम लेबर को बिठाया, मेरे यहाँ पे मान लो एयर कंडीशनर बनता है, टीवी बनता है, वॉशिंग मशीन बनता है, सैमसंग कंपनी है ना, सैमसंग कंपनी वो ये सब बनाता है ना, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, तो वो लोग क्या करता होगा? सर वो लोग के लेबर मोटा मोटी एक ही होते, ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग अलग फैक्ट्री खोल के बैठे हुए। तो लोग लेबर को बिठाते हैं, बोलते हैं अभी 1000 टीवी का ऑर्डर आया हुआ है, बैठ के टीवी भी बनाओ, जब 1000 टीवी का ऑर्डर पूरा हो जाएगा फिर बैठ के 500 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर आया तो 500 वॉशिंग मशीन बनाना, जब वॉशिंग मशीन 500 पूरा हो जाएगा तो 2000 एसी का ऑर्डर आया 2000 एसी बनाना। तो यानी लेबर लोग बैठ रहा है और एक बार में एक पर्टिकुलर आइटम पूरा बना रहे हैं ना। मेरा लाइन को पकड़ो, लेबर लोग बैठे और एक पर्टिकुलर आइटम को पूरा बनाए, ये हुआ बैच कॉस्ट। एक बार में एक पर्टिकुलर आइटम का कितना पीस बना के निकाल और उसका कॉस्ट कितना पड़ा, ठीक है, ये हो जाएगा बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। कोई एक आइटम होता है ना जिसको बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है तब जाके वो फिनिश गुड्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल बताते हैं, पिन जानते हो, पिन, एक पिन को बनाने के लिए कितना स्टेप लगता है पता है? 16 स्टेजेस होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे लोहे के ना, या स्टील के, वो बड़े बड़े लोहे के मोटे मोटे वो ब्लॉक्स होते हैं, उनको पहले पॉलिश किया जाता है एक स्टेप में, दूसरा स्टेप डिपार्टमेंट का काम होता है उसको पूरा काटना, तीसरे डिपार्टमेंट का काम होता है उसको पिन के शेप में लेके आना, चौथा डिपार्टमेंट का काम होता है पिन को सामने से तीखा करना, सुई समझ लो, सुई नीडल, ये सारी चीज़ें ना बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरती है तब जाके बनती। क्रूड ऑयल, अरे बेटा क्रूड ऑयल को तुम पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, गैस बहुत कुछ बनाते हो, लेकिन उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जब वो अलग अलग प्रोसेस में कितना खर्चा लगा, जब लोहे को काटे तब कितना लगा खर्चा, लोहे को जब पॉलिश किए तब उस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा लगा, लोहे को जब पतला पतला पिन में काटे तो कितना लगा, पिन को जब सामने से तीखा किए तो कितना लगा, मतलब अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग स्टेजेस में कितना कॉस्ट लगा, वो कैलकुलेट करने को बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट। जैसे चीनी बनाना एक प्रोसेस है पूरा, शुगर, केमिकल, ये सब इंडस्ट्री जो होती है ना, यहाँ पूरे प्रोसेस से चीज़ें निकलती हैं। तो प्रोसेस वन में कितना कॉस्ट लगा, प्रोसेस टू में कितना लगा, प्रोसेस थ्री में कितना लगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जनरली ना, जो लोग डे टू डे ऑपरेशन का काम करते हैं, तुम हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल वाला तुमको कैसे बताता है कितना चार्ज पड़ेगा, पर रूम पर डे या पर बेड पर डे बोलता है ना, एक दिन के एक बेड का इतना भाड़ा। तुम अगर बस में चढ़ते हो, बस में, बस वाला कैसे भाड़ा डिसाइड करता होगा, पर किलोमीटर, पर पैसेंजर, है ना। अगर हम यहां से, अगर हम मेरे घर से हावड़ा स्टेशन गए, या मेरे घर से धर्मतल्ला जाए, या मेरे घर से सॉल्ट लेक जाए, सेम भाड़ा लगेगा कि अलग अलग भाड़ा लगेगा? मतलब मेरे घर से हावड़ा का अगर 12 रुपया भाड़ा है, क्या धर्मतल्ला का भी भाड़ा होगा? क्या मेरे घर से धर्मतल्ला का भी 12 ही भाड़ा होगा? नहीं सर। नहीं सर। क्या मेरे घर से सॉल्ट लेक का भी 12 ही रुपया भाड़ा होगा? नहीं सर। यानी वो कैसे डिसाइड कर रहा है, किलोमीटर वाइज? अच्छा ठीक है। तो फिर अगर मान लो हमको बोला पर किलोमीटर 15 रुपया लगेगा, मान लो, तब हम 4 आदमी जाए तो भी 15 ही लगेगा, और 10 आदमी जाए तो भी 15 ही लगेगा? नहीं सर। सर 15 × 4 करके आपसे 60 रुपया लेगा सर वो, या 15 × 10 करके आपसे 150 रुपया लेगा वो?
क्या? अरे भाई, वो एक किलोमीटर का एक पैसेंजर का भाड़ा बताया है मेरे, तो ये वो कैलकुलेट कैसे करता होगा? सर वो ये करता होगा कि पूरा इतना किलोमीटर तक जाने का डीजल कितना लगेगा, उस डीजल का पैसा कितना लगेगा, सर गाड़ी को मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना लगेगा, सर गाड़ी में ऑयल लुब्रिकेंट वगैरह डालना पड़ता है उसका कॉस्ट कितना लगेगा, पूरा दिन में गाड़ी कितना किलोमीटर चलता होगा, ये सब फिगर उसको निकालना होगा। लास्ट वो किलोमीटर से डिवाइड करेगा ना। मान लो मेरा डीजल लगता है 5,000 रुपये का पूरा दिन में, पूरा दिन में गाड़ी मान लो हावड़ा से धमतला चलता है, और हावड़ा से धमतला मान लो एक बार 3 किलोमीटर है, और ऐसा पूरा दिन में वो 10 ट्रिप मारता है, माने 30 किलोमीटर का ट्रिप मार रहा है वो दिन का। मान लो वो गिना कि डीजल का 5,000 रुपये लगने वाला है, गाड़ी में रस्ते का ट्रांसपोर्ट टैक्स देना पड़ता है, वो टोल टैक्स वगैरह वो भी लगने वाला है मेरा 500 रुपया। मान लो वो ये पता किया कि गाड़ी का डिप्रिसिएशन भी पर डे हो रहा है 2,000 रुपया का, ऐसे करके वो बहुत सारा खर्चा जुड़ेगा। ड्राइवर का सैलरी, कंडक्टर का सैलरी, ड्राइवर को पूरा दिन का 1,000 रुपया दे रहे हैं, कंडक्टर को पूरा दिन का 800 रुपया दे रहे हैं, ये सब जोड़ लेगा वो 5,000, वो 7,000, 8,000, 8,800, 9,300, 9,300 डिवाइडेड बाई वो 30 किलोमीटर करेगा, कितना आएगा? 1 बार के लिए मान रहा है 310। सर इतना भाड़ा होता नहीं है कभी, ठीक है जो भी है, हम खर्चा थोड़ा ज्यादा ले लिया होगा, चलो ऐसा ठीक है, दिन में 100 ट्रिप मारेगा ऐसा, तो 3,000 हो गया, तो यानी 3 रुपया 10 पैसा ये उसका कॉस्ट है, ठीक है, ये उसका कॉस्ट है। अब अगर उसको 2 रुपया प्रॉफिट कमाने का मन है तो तुमसे 5 रुपया करके भाड़ा ले रहे हैं पर किलोमीटर। तो ऐसे डिसाइड करना, ये इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, ये लोग जो लोग करते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो होटल वाले हो गए तुम्हारे, क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग वाले हो गए, ट्रक वाले हो गए, हॉस्पिटल वाले हो गए, सर्विस इंडस्ट्री मेनली, मेनली कौन सा इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, ये लोग ये कॉस्टिंग का तरीका यूज करते हैं, इस तरीके को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। वैसे तुमको यहाँ पे बोला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं रोड ब्रिज डैम, उनका 1 साल में काम कंप्लीट होता है कि 2-3 साल भी लग जाता है बड़ा बड़ा ब्रिज डैम बनने में, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने में, हाईवेज बनने में, इन सब में सर टाइम लगता है 2-3 साल। तो पर ईयर का प्रॉफिट कैसे निकाले फिर, क्योंकि अकाउंट्स तो पर ईयर बनाना होगा वो लोग को, है ना, अकाउंट्स तो पर ईयर बनेगा, तो सर कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करें, उनका टेक्निक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो देखो तुमको यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री का एक लिस्ट दिया, ये एमसीक्यू में पूछता है, शुगर इंडस्ट्री वाले प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, टॉय मेकिंग इंडस्ट्री वाले बैच कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, स्टील या सीमेंट बनाने वाले प्रोसेस कॉस्टिंग, बाइसाइकिल बनाने वाले मल्टीपल कॉस्टिंग कंसेप्ट होता है, मतलब ये सब स्टील प्रोसेस कॉस्टिंग ऊपर पड़ चुकी हो, एयरक्राफ्ट वाले मल्टीपल कॉस्टिंग करते हैं, प्रिंटिंग वाले जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि तुम अभी जैसे आकाश याद है तुमसे पूछा था, तो तुम हमको बोला था सर आपको ये जो बोर्ड बनाने का, एक बोर्ड का 10 रुपया पड़ेगा, जो तुम लोग एडवर्टीजमेंट वाला बोर्ड का प्रिंटिंग हाल के रखे थे एक दिन संतोष दा के घर पर जब अपने मिले थे, तो तुम हमको बोला था ना दादा लेकिन एक बार में 2,000 पीस का ऑर्डर देना पड़ेगा, और पर पीस तो 10 रुपया तभी लगाएगा, या एक बार में सर 200 पीस का ऑर्डर देना पड़ेगा, याद है आकाश? तो बेटा तो वो लोग कौन सा कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है, मतलब जॉब कॉस्टिंग, तुमको एक बार में इतना प्रिंट आउट करके देंगे इतना रुपया पड़ेगा। अब वो लोग डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेता है वो अलग बात हो गया, बट वो लोग क्या करता है पता है, वो लोग सीधा सीधी बोलता है 200 पीस दो 2,000 रुपया लगेगा, मतलब वो लोग 200 पीस का 2,000 ले रहे हैं, ये हुआ जॉब कॉस्टिंग। हॉस्पिटल वाले सर्विस या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अभी हम बोला था, फार्मास्यूटिकल वाले दवाई बनाने में प्रोसेस होता है ना, ब्रिवरीज यानी खाने पीने का सामान, कैंटीन वाले ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऐसे करके हाउस बिल्डिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट, रोड वाले, तो रोड ट्रांसपोर्ट को तुम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाला ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ भी है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग,
कंस्ट्रक्शन कुछ भी है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। ट्रांसपोर्ट नहीं जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट, ओ सॉरी सर रोड कंस्ट्रक्शन पड़ता है, ठीक है सही सही। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, रेडीमेड गारमेंट वाले बैच कॉस्टिंग, सॉफ्ट ड्रिंक वाले प्रोसेस कॉस्टिंग, कोल वाले सिंगल यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग, कितना कोयला निकल रहा है, ऑयल रिफाइनिंग वाले प्रोसेस कॉस्टिंग, ब्रिक्स बनाने वाले सिंगल यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन वाले जॉब कॉस्टिंग, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा तुम पढ़ाई करने जाते हो वह ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग। इस तरीके से देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ, एडवर्टीजमेंट वाले जॉब कॉस्टिंग, सोप इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिक वाले ऑपरेटिंग, फाउंड्रीज वाले जॉब कॉस्टिंग, वीडियो या ऑडियो मैन्युफैक्चरिंग वाले मल्टीपल कॉस्टिंग, सब असेंबलिंग करने वाले ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कैसे करके अलग अलग कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉलो। एक दो बार ना इस लिस्ट को पढ़ के रखना, क्योंकि एग्जाम में तुमको यही देगा एमसीक्यू में कि कौन सा इंडस्ट्री कौन से टाइप का कॉस्टिंग प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो होते हैं ना उनमें डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए कई एक तरीका होता है। अब एक बात बताओ, मशीन का दाम या रॉ मटेरियल का दाम हमको कुछ वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए उसको, ये वाला बात हो रहा है। तो पहला तरीका बताया हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, मतलब मशीन वगैरह में या एसेट वगैरह बोल लो तो एसेट वगैरह में हिस्टोरिकल कॉस्टिंग फॉलो होता है, जिस दाम में बाई किए उस दाम पे रिकॉर्ड करना, जिस दाम में बाई किए उस दाम में रिकॉर्ड करना। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, अब एक बात बोलो रॉ मटेरियल लेबर हमको एक बात बता देते, पहले मैं बात बोलना भूल गया था, ये कॉस्टिंग का ये जो रिकॉर्ड बनता है, ये कॉस्ट शीट जब बनाते हैं कब बनाते हैं, साल के बिगनिंग में कि साल के एंड में, बैलेंस शीट पीएल कब बनाते हैं, अंत में, अंत में। लेकिन फैक्ट्री में अगर अंत में बनेगा बेटा तो क्या पूरा साल माल बेचोगे ही नहीं, तुमको मेनली टारगेट क्या है तुम्हारा, ये डिसाइड करना है कि कितना कॉस्ट पड़ा ताकि उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके, है ना, हाँ कि ना। तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव हम शुरू से जब तक एक ही चीज तो पढ़ रहे हैं बार बार कि सर हमको प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट जानना है ताकि हम कस्टमर से उसका चार्ज कर सके। तो अगर ये साल के एंड में डिसाइड करेंगे, पूरा साल पहले खर्चा कितना लग गया वो देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे, तो पूरा साल क्या माल नहीं बेचें, पूरा साल क्या पहले कॉस्टिंग करते रहें, पहले प्रोडक्शन करते रहें पूरा साल, फिर ईयर एंड में बेचते हो कि सर जैसे जैसे बनता जाता है वैसे वैसे बिकता जाता है। बोलो बोलो जैसे जाता है बिकता जाता है, हाँ। यानी सर आपको स्टार्टिंग ईयर के बिगिनिंग में ही एक अंदाजा निकाल लेना पड़ेगा कि ओवरऑल कॉस्ट कितना लगने वाला, ठीक बात। सर हम पूरा साल में कितना पीस बनाएंगे वो मोटा मोटी डिसाइडेड रहता है, हम 100,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 100,000 यूनिट का रॉ मटेरियल और लेबर कितना लगेगा वो तो सर मेरे को अंदाजा नहीं लगाना है, वो मेरे को पहले से फिक्स रहता है। तो सर वो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल का दाम लेबर का दाम तय करना वो डायरेक्ट कॉस्टिंग है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का दाम तय करना डायरेक्ट कॉस्टिंग, क्योंकि ये हमको कितना यूनिट बनाना है अंदाजा बिगनिंग में ही रहता है, क्योंकि ये मेरे वॉल्यूम के हिसाब से बदलता है, आउटपुट ज़्यादा होगा तो डायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, आउटपुट कम होगा तो डायरेक्ट कॉस्ट कम लगेगा, है ना। तो ये सर हमको अंदाजा रहता है, इसमें दिक्कत नहीं है मेरे, इसमें मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक बात। जितना पीस बनेगा उसके हिसाब से हम पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना सर मेरे को, वो खर्चे जो आइटम के हिसाब से फिक्स नहीं है। अब जैसे सुपरवाइजर का सैलरी, ये सर मेरा पर यूनिट कोई फिक्स थोड़ी ना है, सुपरवाइजर पर यूनिट थोड़ी नहीं लेते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारा खर्चा है ना जो तुमको पर यूनिट एग्जैक्टली पता नहीं हो सकता स्टार्टिंग में कि एक पीस का कितना लगेगा, क्योंकि वो ओवरऑल लगता है। गोडाउन का रेंट, अब जितना भी पीस प्रोडक्शन हो गोडाउन का रेंट तो बिगनिंग में 5,00,000 लग गया, पता ही है साल के स्टार्टिंग में कि 5,00,000 रुपये जाएगा, अगर 5,00,000 रुपये साल का तय हुआ है तो, हाँ कि ना। यस तो बेटा जी अब उसको पर यूनिट कैसे निकालें, वो अंदाजा में
यानी कई एक खर्चा पूरा साल में कितना लगेगा पहले से एग्जैक्टली तय नहीं है। हम क्या करते हैं उसको अंदाजा बेसिस पे लेते हैं। अब अगर हम कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं और पर यूनिट एक कॉस्ट अंदाजा में निकाल लेते हैं और वही मेरे प्रोडक्ट में कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। ये मेरा पूरा बात क्लियर हुआ जो लास्ट 7-8 सेकेंड में बोला। कुछ खर्चे हैं जो पूरे साल का हम एज्यूम ले लेते हैं कितना लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं और मेरा पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है और वही हम अपने प्रोडक्ट में ऐड कर लेते हैं कॉस्ट में और कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। अब ईयर एंड में हो सकता है वो एग्जैक्टली उतना नहीं लगा, ज़्यादा लग गया या कम भी लग गया, ऐसा हो सकता है। इन खर्चों को जब हम पर यूनिट चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। क्लियर है मेरा बात? ये जो 5 रुपया पर यूनिट निकाले, मान लो हमको लगा 5 लाख रुपया लगेगा, 1 लाख पीस बनाएंगे तो पर पीस 5 रुपया हो गया। ये जो 5 पीस हम अंदाजा स्टार्टिंग में लगा लिए और कस्टमर से चार्ज कर लिए, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। स्टार्टिंग में ही एब्जॉर्ब कर लिए, कस्टमर से वसूल कर लिए। बात क्लियर है? हाँ सर। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हुआ सर? गुड्स का एसेट का बाइंग वैल्यू, एसेट का परचेज कॉस्ट। सर डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुआ? वो रॉ मटेरियल और लेबर का पर यूनिट कॉस्ट, जो बिगनिंग से ही पता है क्योंकि हम साल के स्टार्टिंग में अपने क्रेडिटर से डिसाइड कर लेते हैं 1 kg रॉ मटेरियल का कितना रुपया लोगे, और मेरे को ये भी पता है कि 1 kg रॉ मटेरियल बनाने का 1 kg रॉ मटेरियल से कितना फिनिश गुड्स बनेगा, तो हम आराम से उस कॉस्ट को पर यूनिट समझ सकते हैं। लेबर से हम पहले ही बात कर लिए, 1 पीस बनाने का कितना लोगे पूरे साल का, तो जब जब लेबर को बुलाएंगे पर यूनिट हमको पहले से पता रहेगा। लेकिन ऐसा बहुत सारा खर्चा है जिनका बिगिनिंग में पर यूनिट एक एज्यूम करना पड़ता है, उसको एजम्पशन को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। और एक और कॉस्टिंग का मेथड होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम साल के स्टार्टिंग में एक अंदाजा लगाते हैं कि टोटल इतना लगना चाहिए, टोटल इतना लगना चाहिए, हम एक अंदाजा लगाते हैं और ईयर एंड में जाके देखते हैं एक्चुअली में कितना लगा। तो जो हम स्टार्टिंग में फिक्स करते हैं कि इतने में काम हो जाना चाहिए, वो हुआ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और फिर लास्ट में जाके उसको कंपेयर करके देखते हैं कि एक्चुअली में उतना लगा कि ज़्यादा लगा या कम लगा। एक होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म सर एब्जॉर्प्शन और स्टैंडर्ड तो एक ही होगा। नहीं, एब्जॉर्प्शन में हम कस्टमर से पर यूनिट जो वसूल कर रहे हैं वो खर्चा जो मेरा ईयरली हमको पहले से नहीं पता एग्जैक्टली कितना लगेगा, बट उसको मैं एक अंदाजा लगा के कस्टमर से जो पर यूनिट वसूल कर रहे हैं, स्टॉक का वैल्यू निकालते समय, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है ना सारे खर्चों का एक एस्टिमेट लगाना, सारे खर्चों का कि कौन सा खर्चा कितना लगना चाहिए पूरे साल में। अब ज़्यादा लगा या कम लगा वो ईयर एंड में देखते हैं, फिर अगर मैनेजमेंट का गलती है, ज़्यादा गलती से लगा है, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब आ जाओ एक और मेथड है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं, जब कोई चीजों का आइडेंटिकल कॉस्ट, मतलब मेरे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट पता नहीं चल पा रहा। मान लो हम पेस्ट्रीज भी बनाते हैं और केक भी बनाते हैं, अब हमको पेस्ट्री का एग्जैक्टली कॉस्ट पता नहीं चल पा रहा, केक का तो पता चल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली इसका कॉस्ट मान लेंगे, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट, ठीक है। बात क्लियर? यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते थे तो सब एक जैसा कपड़ा पहनते थे ना, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, स्कूल के ड्रेस को यूनिफॉर्म बोलते हैं ना, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी कंसेप्ट यही बोल रहा है कि हम एक इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रोडक्ट बना रहे हैं एक ही जैसे नेचर का, बट हमको एक का कॉस्ट पता नहीं चल पा रहा, तो हम क्या करते हैं दूसरे का बेसिस पे उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब होता है नॉर्मली हम 1 लाख पीस बना रहे हैं, मान लो मेरा 10 लाख रुपया लग रहा है, अब हमको एक्स्ट्रा 50,000 पीस बनाना पड़ गया और मेरा टोटल कॉस्ट 10,20,000 रुपया लगा, तो ये एक्स्ट्रा 50,000 बनाने का कितना कॉस्ट लगा,
20,000। हाँ, तो यही हो गया तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल यूनिट बनाने का एडिशनल कॉस्ट, मतलब फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये वाला पार्ट पढ़ने का दरकार नहीं है कि फाइनेंस और कॉस्ट में क्या फर्क है, ये कोई काम का, ये एक बार डिफरेंस बिटवीन को खाली रीड करना आप लोग, जरूरत नहीं है उतना, बस एक बार रीडिंग करके रखना कि अकाउंट्स और कॉस्टिंग में क्या फर्क होता है। जैसे अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो ईयर एंड में काम आता है, जबकि कॉस्टिंग में इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर भी कैलकुलेट करते रहते हैं। कॉस्टिंग का इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने के काम आता है, जबकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमको ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के काम आता है। अकाउंटिंग में बहुत सारा इनकम टैक्स का रूल लगता है, वो रूल को देख के बनाना पड़ता है, जबकि कॉस्टिंग में इनकम टैक्स का उतना रूल नहीं लगता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जानने के लिए काम करते हैं। अकाउंट्स में चीज़ों को क्लासिफाई या रिकॉर्ड करने के लिए बैलेंस शीट, पीएल, अलग अलग नेचर ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, नेचर ऑफ एक्सपेंस अलग होता है, जबकि कॉस्टिंग में उसको बनाने का अलग तरीका होता है, उसका मेथड्स अलग होता है। अकाउंट्स में हम सिर्फ रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं, जबकि कॉस्टिंग में हमको कंट्रोल भी करना है कि अकाउंट्स में हमको ये नहीं सोचना खर्चा ज़्यादा क्यों लग गया और कम क्यों लग गया। तुम मेरे अकाउंटेंट हो तो जो लग गया बस उसको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर तुम मेरा कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लॉसेस को रोकना है, ठीक है ना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं, कॉस्टिंग को कॉस्ट अकाउंट बोलते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरली कौन बनाता है? अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट। जबकि इसको कौन बनाता है? कॉस्ट अकाउंटेंट। यही ज्ञान बाकी इतना पढ़ने को नहीं है। अब आता है इम्पोर्टेंट, थ्योरेटिकल पार्ट से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, है तो ये भी थ्योरी लेकिन ये प्रैक्टिकल में बहुत काम कर। कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कैसे करते हैं? बोले ना क्लासिफाइंग, तो अलग अलग वे में क्लासिफाई कैसे करते? पहला बोला मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इनके नाम में भी क्लासिफाई किया जाता है। मटेरियल और लेबर तो आप लोग समझ सकते हो, ओवरहेड क्या होता है? आनंद ट्राई करना। मटेरियल समझते हो? रॉ मटेरियल। तो मेरा कितना रुपया रॉ मटेरियल में लगा वो लिखना हो गया रॉ मटेरियल का कॉस्ट। कितना रुपया लेबर लेके गया वो लिख गया लेबरिंग कॉस्ट, यानी लेबर कॉस्ट, या उसको वेजेस भी बोलते हैं। ओवरहेड्स क्या होता है? ओवरऑल नहीं, ओवरहेड का मतलब क्या होता है समझना। देख, तुम जब अकाउंट्स बनाते हैं ना तो रॉ मटेरियल और लेबर के अलावा बाकी कॉस्ट क्या लिखता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे करता है ना अलग अलग। यस, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है रॉ मटेरियल लेबर छोड़ के जो भी कॉस्ट है सब ओवरहेड। रॉ मटेरियल लेबर को छोड़ के जो भी कॉस्ट है सब ओवरहेड है, मतलब जितना आप बच गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, मतलब पीएल वाला आइटम और ट्रेडिंग का रॉ मटेरियल लेबर छोड़ के बाकी आइटम, ट्रेडिंग का रॉ मटेरियल लेबर छोड़ के बाकी आइटम। बाकी आइटम क्या हुआ सर? वो कैरेज इनवर्ड या आपका क्या बोलते हैं पावर एंड फ्यूल, ऑक्ट्रॉय, याद है? और भी बहुत सारे आइटम ट्रेडिंग में पड़ते थे, ट्रेडिंग के डेबिट में लेबर और रॉ मटेरियल को छोड़ के, मतलब वेजेस और परचेजेस ओपनिंग स्टॉक को छोड़ के, बाकी जो आइटम बचा सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। और पीएल में जितना खर्चा लिखते थे, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो खर्चा लिखते थे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता था। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे बोलते हैं ओवरहेड्स। तो कॉस्टिंग में खर्चों को तीन कैटेगरी में बांटा गया, मटेरियल, लेबर और बाकी सब खर्चा, अदर। आप ऐसे बोल सकते हो मटेरियल, लेबर एंड अदर। तो मटेरियल और लेबर तो अपने आप में एक हेड हो गया, बाकी अदर सबको क्या बोल दिए? ओवरहेड। क्लियर है सबको? हाँ सर। यहाँ पे और कुछ काम करना है। अब ओवरहेड को फिर दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक हो गया फिक्स्ड ओवरहेड और एक हो गया
वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। फिक्स ओवरहेड कौन सा ओवरहेड हुआ जो बदलेगा नहीं आउटपुट के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड कौन सा ओवरहेड हुआ जो फिक्स के हिसाब प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। क्लियर है बात? और एक तरीके से ओवरहेड को डिवाइड करते हैं, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल भी बोलते हैं। कंट्रोलेबल ओवरहेड किसको बोलेंगे, जो हम बचा सकते थे, वो ओवरहेड जो मेरे कंट्रोल में है, हम चाहें तो लगेगा, हम चाहें तो नहीं लगे, मतलब हम कोशिश करें तो उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोलेबल जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो लगेगा ही लगेगा, चाहे प्रोडक्शन हो या नहीं, अनकंट्रोलेबल बोलते हैं। ये केवल नाम याद रखने के लिए, मेन याद रखने के लिए क्या, फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड। तो यानी खर्चों को तीन कैटेगरी में बांटा गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स, और फिर ओवरहेड को दो कैटेगरी में बांटा गया, फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड। और मटेरियल लेबर ऑलवेज वेरिएबल होता है, मटेरियल एंड लेबर ऑलवेज वेरिएबल होता है। अरे बेटा वो वेरिएबल ही तो आउटपुट के हिसाब से चेंज होगा ना, तुम ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, कम प्रोडक्शन करोगे इस साल कम रॉ मटेरियल लगेगा, तुम ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे लेबर ज़्यादा पैसा मांगेगा, कम प्रोडक्शन करोगे लेबर कम पैसे में काम करेंगे। पर पीस लेबर को अगर 4 रुपया करके दे रहे हैं, 100 पीस बनाएंगे तो 400 रुपया लगेगा, 10 पीस बनाएंगे तो 40 रुपया लगेगा, ये वेरिएबल हुआ ना। वैसे ही एक रॉ मटेरियल का दाम 5 रुपये है, तो अगर एक पीस बनाने में एक रॉ मटेरियल लगता है, एक पीस बनाएंगे तो 5 रुपया लगेगा, 2 पीस बनाएंगे तो 10 रुपया, 3 बनाएंगे तो 15, 4 बनाएंगे तो 20। यानी रॉ मटेरियल और लेबर ऑलवेज क्या है, वेरिएबल। ओवरहेड को भी दो कैटेगरी में बांटा, फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड। ये क्लियर है? हाँ सर। इस चैप्टर में ये बहुत काम का बात था, जो आगे जाके बहुत परेशान करेगा। बाकी ये सब हेडिंग नहीं पढ़ना है, सब फालतू है, छोड़ते जाओ। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ चुके, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो हम एक्चुअली में कैश पेमेंट कर रहे हैं, जो हम एक्चुअली में कैश पेमेंट कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को पाने के लिए जो हम ये वाला चीज फोरगॉन करें। मान लो मेरे पास मैदा है, हम उससे दो चीज बना सकते हैं, या तो केक या बिस्किट। अब अगर हम केक ज्यादा बनाए तो बिस्किट कम बनेगा ना। मैदा मान लो मेरे पास फिक्स है, मेरे पास 100 kg मैदा है, सर और मैदा ले आइए, नहीं और मैदा लाने का पैसा नहीं है, जितना आ जाए मटेरियल उतना ही है। अरे मटेरियल का एक लिमिट होता होगा ना, एक बिजनेसमैन चाहे जितना रॉ मटेरियल थोड़ी ना ला सकता है, एक लिमिट होगा कि नहीं होगा उसका, होगा ना लिमिट। हाँ सर। सर अंबानी भी होगा तो भी उसका एक लिमिट होगा, वो पूरा दुनिया का क्रूड ऑयल थोड़ी ना खरीद के लिए आएगा अपने आप प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करने के लिए, पॉसिबल नहीं है सर। जो भी है, मान लो मेरे पास 100 kg मैदा है, अब हम मैदा से या तो केक या तो 10 केक बना ले या 100 पैकेट बिस्किट बना ले, 100 केक बना ले या 100 पैकेट बिस्किट बना ले चलो। अब अगर हम केक ज़्यादा बनाएंगे तो बिस्किट कम बनेगा, और अगर बिस्किट ज़्यादा बनाएंगे तो केक कम बनेगा। तो मतलब हमको अगर केक ज़्यादा पाना है तो बिस्किट को फॉरगॉन करना पड़ेगा, और अगर बिस्किट ज़्यादा पाना है तो केक को फॉरगॉन करना पड़ेगा। तो यही जो हम एक दूसरा ऑल्टरनेटिव को मिस कर रहे हैं एक चीज को पाने के लिए, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई रिपीट, यही जो हम एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फॉरगॉन कर रहे हैं कोई एक चीज को पाने के लिए। केक का नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, बिस्किट मेरे फैक्ट्री में है ना। तो सर आप केक ज्यादा बनाने के लिए आपको बिस्किट फॉरगॉन करना पड़ रहा है, मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव थोड़ा छोड़ना पड़ रहा है। अब अगर हमको मान लो 110 केक बनाने हैं तो 90 पैकेट बिस्किट ही बनेगा। मान लो हमको 200 केक बनाने हैं तो 0 बिस्किट बनेगा। मान लो हमको 150 केक बनाना है तो 50 पैकेट बिस्किट बनेगा। मतलब आपको केक बढ़ाने के लिए जो बिस्किट फॉरगॉन करना पड़ रहा है, इसी कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक चीज को पाने के लिए जो दूसरा चीज खोना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम एक अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, अगर हम ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा होता, हम सीए का जॉब कर रहा होता,
और अगर आपको ट्यूशन पढ़ाना है तो हमको सीए का जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को पाने के लिए जो हमको कॉस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। क्लियर है ये वर्ड? तो आउट ऑफ पॉकेट किसको बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट जो हम एक्चुअली में कैश पेमेंट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पाने के लिए फॉरगॉन कर रहे हैं, संक कॉस्ट ये क्या होता है? संक मतलब क्या होता है? नॉर्मली इंग्लिश मीनिंग डूब जाना, इररिकवरेबल, अब रिकवर नहीं होगा, एक बार लग गया, अब तुम काम करो मत करो वो खर्चा तुम्हारा लग चुका। जैसे मशीन अगर हम ले आया 1,00,000 रुपया खर्चा करके, अब हम काम करें नहीं करें मेरा मशीन का कॉस्ट तो लग ही गया ना, सोचो। मान लो हमें गोडाउन भाड़ा पे ले लिया और वो हमसे एग्रीमेंट कर लिया 1 साल का कि आपको पर महीना 5,000 भाड़ा लगेगा, 1 साल का 6,500 रुपया भाड़ा आपको देना पड़ेगा। अब हम गोडाउन में सामान रखे नहीं रखे 1 साल तक, वो मेरा भाड़ा लग चुका, वो रिकवर नहीं हो सकता वापस। मान लो 1 साल का भाड़ा मैं से एडवांस ले लिया है या एडवांस नहीं लेके एग्रीमेंट कर लिया, जो भी है अब हमको देना ही पड़ेगा। भले हम उसको बोले 6 महीना बाद हम आपका गोडाउन छोड़ रहे हैं, 6 महीने का भाड़ा हम उसको दे चुके हैं और अब उसको बोले हम आपको गोडाउन छोड़ रहे हैं, वो मेरे से और 6 महीने का भाड़ा लेके छोड़ेगा ना, क्योंकि मेरा उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि मैं 1 साल उसका गोडाउन रखेगा। तो ये संक कॉस्ट है, ये जो वो कॉस्ट है जो रिकवर अब कहीं हो नहीं सकता, काम करो या मत करो वो लग चुका, काम करोगे तो ही रिकवर होगा वरना कहीं से रिकवर नहीं होगा। अब गोडाउन में माल रखे बेचिए प्रॉफिट कमाए तो ही वो खर्चा वसूल हो पाएगा, वरना वो खर्चा लग चुका आप भूल जाइए उसको। ठीक है, ठीक। इसको बोलते हैं रिकवरेबल कॉस्ट या संक कॉस्ट। एक और कॉस्ट का नाम है इम्प्यूटेड कॉस्ट। अभी ऊपर पढ़ के आते हैं नॉशनल कॉस्ट बिगनिंग में बहुत बोला था हम। हाँ सर। वो खर्चा जो हम अपने रिसोर्सेस को यूज करने के लिए दे नहीं रहे एक्चुअली में, एज्यूम कर रहे हैं दे नहीं रहे एक्चुअली, नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटले। देखो क्या बोला, कोई कैश एक्चुअली में जा नहीं रहा है, बट हम अपने डिसीजन मेकिंग में उसको ले रहे हैं, उस कॉस्ट को बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड बोलो, इम्प्लाइड बोलो, एज्यूम्ड बोलो, जो बोल लो, नॉशनल बोलो, इम्प्लाइड, एज्यूम्ड, इम्प्यूटेड, नॉशनल, सब एक ही है। क्लियर है ये वर्ड? एक होता है रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? रेलेवेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? काम का। इररिलेवेंट मतलब बेकार। ठीक है, जो खर्चा मेरे डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंस रखता है उसको बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट, और जो डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है उसको बोलते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट। सर एक एग्जांपल देते हैं, मान लो हम नॉर्मली साल का 1,00,000 पीस बनाते हैं, मेरा रेंट लगता है 50,000 रुपये का रेंट, मेरा रॉ मटेरियल लग रहा है मान लो 1,00,000 रुपया का, और मेरा लेबर लग रहा है मान लो 1,00,000 रुपया। ठीक है, हम 1,00,000 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, मेरा रेंट लगता है 50,000 गोडाउन का, रॉ मटेरियल और लेबर लगता है 2,00,000 रुपया, तो कुल मिला के मेरा 2,50,000 खर्चा लग रहा है 1,00,000 पीस बनाने का। अब मेरे पास आकाश आया और अलग से हमको एक ऑर्डर देना चाहा 20,000 पीस। हम यहाँ पे पहले अगर नॉर्मली 1 पीस का दाम निकाले तो कितना निकल रहा है मेरा? 2,50,000 रुपया डिवाइडेड बाई 1,00,000 यूनिट करेंगे तो कितना आएगा 1 पीस का दाम? 2,50,000 रुपया। 2,50,000 खर्चा लग रहा है बेटा मेरा, और 1,00,000 पीस बन रहा था अब तक, तो 2,50,000 बाई 1,00,000 करेंगे तो 2,50,000 रुपया आएगा ना 1 पीस का दाम। आकाश मेरे पास आया, बोला अलग से एक ऑर्डर देना है 20,000 यूनिट का, ये 1,00,000 तो हम बना के बेच ही रहे, वो मेरे को बोला अलग से आप काम करके दे दोगे क्या? हम बोले भाई तुम्हारे लिए अलग से पीस बनाने के मेरे को तो लेबर को एक्स्ट्रा रोकना पड़ेगा। बोला ठीक है हम पेमेंट करेंगे, आप बोलिए कितना पेमेंट देना है आपको। तब हम देखा मेरे को ये 20,000 पीस बनाने का रॉ मटेरियल तो और 20,000 रुपये का लाना पड़ेगा, लेबर मेरा बोला आप लेबर पहले क्या ले रहा था 1 रुपया 1 पीस का ना, 1,00,000 रुपया ले रहा था, 1,00,000 यूनिट बन रहा था, लेबर मेरा 1 पीस का 1 रुपया ले रहा था,
ठीक बात। अब एक एक आइटम में देखो एक बार ढंग से, रॉ मटेरियल 1,00,000 रुपए का लग रहा है, कितना पीस बन रहा है? 1,00,000 पीस, यानी एक पीस का रॉ मटेरियल कितना लगा? 1 रुपया। लेबर भी 1,00,000 रुपया ले रहा और कितना पीस बना रहा है? 1,00,000 पीस, मतलब लेबर भी 1 रुपया ले रहा है एक पीस का, और रेंट मेरा 50,000 लग रहा है 1,00,000 पीस के लिए, मतलब कितना रेंट लग रहा है? 50 पैसा, यही हुआ ना 2.5 रुपया। बात क्लियर है? अब आकाश आया 20,000 यूनिट का ऑर्डर देने, हम देखा आकाश को ऑर्डर पूरा करने में रॉ मटेरियल कितना रुपया लग जाएगा मेरा? सर 1 रुपया करके अगर 1 रॉ मटेरियल आपको मिलता है तो और 20,000 पीस बनाने के लिए 1 रुपया करके 20,000 का रॉ मटेरियल लग जाएगा। बात क्लियर? लेबर भी मेरा बोला नहीं, हम 1 रुपया में ओवर टाइम नहीं करेंगे, हम पर पीस 1.5 रुपया लेंगे। हम बोला अच्छा ठीक है चलो, तो 1.5 रुपया × 20,000 करके 30,000 रुपया यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और मेरा रेंट 50 पैसा पर यूनिट लगता है, तो 50 पैसा × 20,000 करके हम रेंट भी जोड़ा 10,000 रुपये, ठीक है। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना लग जा रहा है आकाश का ऑर्डर पूरा करने में? 7,000 रुपये। मान लो हम अपना प्रॉफिट भी जोड़ा 10,000 रुपया और हम आकाश को बोला टोटल 70,000 रुपया लगे, ये होता तरीका मेरा एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो फैक्ट्री चलाता है, होता कि नहीं होता ये तरीका? लेकिन आकाश हमको बोला अरे सर जी रोज ज्यादा दाम बोल रहे हैं, इतना नहीं दे सकते, थोड़ी ऑर्डर कैंसिल करते। हम देखा अरे हाथ से ऑर्डर जा रहा है, काम आता हुआ कोई भी ओनर नहीं चाहेगा ना काम हाथ से निकल जाए। हमको एक चीज दिखाया कि ये रेंट तो हमको वैसे भी लग रहा था, भले ही हम आकाश का ऑर्डर लेते या नहीं लेते, हाँ कि ना? हाँ सर। और ये 50,000 का ऋण तो हमको 1,00,000 पीस देख के वसूल कर ही ले रहा होगा, तो मेरे को लगा कि आकाश का ये ऑर्डर अगर हम ये 10,000 का रेंट आकाश से नहीं वसूल करें तो भी हमको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो हम आकाश को बोले अगर कि तुमको 7,500 में सामान दे देंगे, चलो मेरा प्रॉफिट तो फिर भी रह गया 10,000 का। तो ये रेंट देखा जाए तो इस कैलकुलेशन में रेलेवेंस नहीं रखता था, इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, डिसीजन मेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मेरा इससे, क्योंकि ये रेंट हम अपने नॉर्मल प्रोडक्शन में तो वसूल कर ही ले रहे हैं। ये 1,00,000 पीस जब हम बेच रहे हैं तो उसका 2.5 रुपये हम कॉस्ट निकाल ही रहे हैं। अब मान लो उसमें हम 2 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ के 4.5 रुपये में बेच ही ले रहे हैं, है ना? तो आकाश का ये अलग से ऑर्डर पूरा करने में अगर हम ये 10,000 रुपये हटा लें रेंट का तो भी मेरे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? नहीं। तो हमको ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ले सकते हैं। हाँ यही होता है रेलेवेंट कॉस्टिंग बेटा, मतलब कौन सा खर्चा रेलेवेंट है, कौन सा खर्चा इंपॉर्टेंट है, काम का है जो डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेगा, वो देखते हुए डिसीजन लेने को बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग, ठीक है। आखिरी 2 टर्म आज के लिए, अवॉइडेबल कॉस्ट एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट किसको बोलते हैं? नाम में मीनिंग है बेटा, ये पढ़ाने की दरकार नहीं है। अनअवॉइडेबल मतलब जो अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब वो खर्चा जो आपका लगेगा ही लगेगा, कुछ भी कर लो वो हो गया अनअवॉइडेबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एक हद तक। हाँ, और अवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो तुम अवॉइड कर सकते हो, जो फालतू लग रहा है, या फालतू वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, ऐसा कॉस्ट जो तुम चाहो तो रोक सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट अवॉइडेबल कॉस्ट है या अनअवॉइडेबल कॉस्ट है? अवॉइडेबल। अवॉइडेबल है सर, आप कम बेसी कर सकते हो, आप चाहो तो एक बार ऐड मत करो, चाहो तो एक बार 100 ऑर्डिंग की जगह 50 ऑर्डिंग ही लगवा दो खाली रस्ते में, ये अवॉइडेबल कॉस्ट। लेकिन लेबर और रॉ मटेरियल का कॉस्ट, रेंट का कॉस्ट, सैलरी का कॉस्ट, अनअवॉइडेबल है सर, लगेगा ही लगेगा। आप रेंट नहीं दोगे तो काम कैसे होगा, सैलरी नहीं दोगे तो काम कैसे होगा? वो खर्चे जो आप चाहते तो कम बेसी करके बचा सकते हो, वो हुआ अवॉइडेबल। पैकिंग वैकिंग क्या होता है, अवॉइडेबल क्या अनअवॉइडेबल? वो तो करना ही पड़ेगा ना सर। लेकिन बेटा उसको कम बेसी नहीं कर सकते,
हाँ उसमें लगने वाला एक्सपेंस कम भी कर सकते हैं। तो मटेरियल को थोड़ा बहुत प्लास्टिक जो यूज़ कर रहा है पैकिंग में, कम दाम वाला प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ सर। तुम चॉकलेट आजकल तुम एक चीज़ गौर कर रहे हो, ये जो डेयरी मिल्क वगैरह लेकर आते हो, पहले एक चीज़ गौर करते थे ऊपर ब्लू कलर का पैकेट है, अंदर में एक सिल्वर या गोल्डन कलर का भी पैकिंग होता था। हाँ सर। आजकल उड़ा दिए है ना। हाँ सर। बेटा जी अनअवॉइडेबल, कंपनी को क्या लगा ये फालतू खर्चा लग रहा है एक्स्ट्रा पैकिंग का, कस्टमर तो जाके खोल के खा ही ले रहा है डायरेक्ट, है ना। ये हुआ अवॉइडेबल। यस सर। कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल मतलब वो खर्चा जो कंट्रोल किया जा सकता है, अनकंट्रोलेबल जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये केवल नाम का एक काम था, ये तुम्हारे एमसीक्यू के पार्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो एक था रेलेवेंट कॉस्ट, एक था इंप्यूटेड कॉस्ट, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब नाम तुम्हारे लिए बहुत काम के, ठीक है।